हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और वीडियो यहाँ पे ये व्लॉग मेरा यहीं पे स्टार्ट हुआ है और होप सो ये यहीं पे एंड हो जाए, क्योंकि बात कुछ ये है कि अभी कल आपने देखा होगा कि हमारे नए वज़ीर आज़म नोट स्वैग वाला भाई कहते हैं ना, वो एक लाइन उन्होंने बोली थी वो जो कि बहुत पॉपुलर है, बैगर्स कांट बी चूज़र्स। तो इतनी मशहूर लाइन के लिए तो बाबा उनको हैट्स ऑफ है, और उसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन करी ना वो तो सुपर्ब है, सुपर्ब। कि जो बैगर्स होते हैं वो तो कुछ चूज़ नहीं करते ना, जो चूज़र्स होते हैं वही तो कुछ चूज़ करते हैं। उन्होंने जो लाइन एक्सप्लेन करी है ना, उसको देख के ना मैं इतना यूनिवर्सिटी में और मेरी क्लास हो चुकी है। और अब आप लोगों को एक बात बतानी है मुझे कि अगर जैसे कि अभी करंट अफेयर्स के हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी रिसेंटली कल हमारे नए प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान ने हल्फ उठा लिया है। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, मिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर इमरान खान, उनके अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था इतनी ज़्यादा पब्लिक, उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैं रास्ते में था। गाड़ियाँ बज रहा है, नहीं नहीं है तो जाम का यार हो रहा है वो भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है फॉर द तब्दीली बॉय, यू नो व्हाट, इमरान खान। और मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक निकली हुई थी और जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना वो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उनके बाहर निकले थे, तंग आए हुए थे। बोरी से बोरी इलेक्शन करवाए जाए। मैं आपको ताज़ा तरीन रिपोर्टें देता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल करंट रिपोर्टिंग के साथ। जब इमरान खान ने ये पॉलिटिकल इशू चल रहा था तो वो डॉलर के जो रेट थे वो 189 पॉइंट समथिंग पहुंच गए थे, और अभी हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया था तो डॉलर दोबारा से 183-182 पे आ गया। शुक्र है, अच्छी बात है, आ गया जल्दी, क्योंकि अगर नहीं आता ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझे फीस भी पे करनी है, और बस क्या करें, एक तरफ यूके की पढ़ाई चल रही है, एक तरफ यूएसए की पढ़ाई चल रही है। एजुकेशन की बात हो रही है तो एक बात बताना ज़रूरी है, अगर आप लोग कोई भी कोर्स वगैरह करना चाहते हो, शॉर्ट कोर्सेज चाहे मल्टीपल टाइप्स के, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, और उसके अलावा ये हमारे इथिकल हैकिंग हो, AI हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको, तो आप कर सकते हो ईजीली पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से। EFTP लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आई थिंक आपके सामने सब स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, देख सकते हो। और अपने भाई का प्रोमो यूज़ करके AMB18 यू गेट डिस्काउंट इन ऑल कोर्स, यानी किसी भी कोर्स में रजिस्टर करो तो भाई का प्रोमो डालना मत भूलना, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाएगा। देन थैंक मी एंड थैंक मी नॉट और थैंक मी लेट। तो जी यहाँ पे मैंने वीडियो जो है वो एडिट कर ली है और बस मुझे अपलोड करना है, देन उसके बाद यहाँ से बैकअप, बस यही बताना था।
बात कुछ ये है कि अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के, और आप लोगों को जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टार्ट में कि गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से डॉलर के रेट बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हुए और इतनी स्पीड से बढ़ना और घटना एक तरीके से कह सकते हो शॉकिंग भी है, क्योंकि यार आपकी जो इकॉनमी है उसका जो हाल है ना एकदम से बिल्कुल पलट गया है, जो कि कहते हैं ना कि एक रुपया बढ़े भी तो कर्ज के ऊपर अरबों बढ़ जाता है, तो इस बिना पर अगर देखा जाए ना यार तो काफ़ी ज़्यादा ही एक इन्फ्लेशन टाइप हुआ है, और अल्लाह रहम करे ये जो डॉलर के रेट की वजह से और ये इशूज़ की वजह से। और अब दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो थी मेरी कुछ इसी पर्पज़ के लिए थी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा किसी पॉलिटिकल जो किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट कहते हैं यार सच को सच बोलना झूठ को झूठ बोलना फ़र्ज है, तो बस जो दिखता है उसके ऊपर तो बात करना फ़र्ज है, वो हम हमेशा करते रहेंगे, बाकी सब बढ़िया सब चंगा। और अब बात कुछ यह है कि अब मुझे जाना है घर पर, और इस वीडियो को हम करेंगे बैंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं अंदर बैठा हुआ था और आप लोगों के बाहर आ गया, और अब मैं जाऊँगा घर पर, ये अब क्लास ख़त्म हो चुकी है मेरी, पढ़ाई भी हो गई, और अब घर चलते हैं यार, और मुझे जाके जोहर की नमाज़ का वक्त हो गया, जोहर की नमाज़ पढ़नी है पहले मुझे, फिर मैं शायद घर के लिए निकल जाऊँगा, या हो सकता है मैं रास्ते में पढ़ूँ, अभी कुछ सोचा नहीं, बाकी फिर देखते हैं कि और भी कुछ ज़्यादा प्लान है, और अगर कुछ प्लान होगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में।